कि आपको तभी स्टे मिलेगा जब आपके प्रोफाइल में रेफरेंसेस होंगे। सो गाइस, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश एंड वेलकम टू अवी ट्रैकर। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी कोई भी कंट्री में ट्रैवल करते हो, चाहे आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो, चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल करो, आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो उस कंट्री के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने रशिया में एक्सप्लोर किया था। सो वहाँ पर मैंने कुछ जगह पे बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहा था। सो अगर मैं बात करूँ, आज जिस ऐप की मैं बात करने वाला हूँ, वो काउच सर्फिंग ऐप की बात करने वाला हूँ। सो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और कैसे अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि आप आराम से कोई भी कंट्री के अंदर या फिर कोई भी जगह इंडिया के अंदर भी आप आराम से रह सकते हो। बस आपको एक सिर्फ ऐप की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है काउच सर्फिंग ट्रैवलर ऐप। जो काउच सर्फिंग ऐप है, आपको उसको सर्च करना है, फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है। फिर जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता होता है, आप चाहे तो फेसबुक के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली काउच सर्फिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। सो जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, तो आप वहाँ पर देखो कुछ डिटेल्स आ रखे हैं, तो आप उनको डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आप कौन सी सिटी में रहते हो, आपको सिटी डालनी रहेगी। सो गाइज, मैं यहाँ पर मेरी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने मेरी डिटेल्स फिल की है। सो अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है, तो अभी ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे हैं। अभी आपको जिस भी कंट्री में ट्रैवल करना है, फिर जिस भी जगह आपको ट्रैवल करना है, सबसे पहले आपको सर्च में जाना है, सर्च पे उस कंट्री का नाम लिख देना है, फिर उस जगह का आपको नाम लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तो पे हम लिखते हैं मॉस्को पे। सो मॉस्को जैसे मैं टाइप करूंगा, तो अभी यहाँ पर दो ऑप्शन खुल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आएगा होस्ट इन मॉस्को। होस्ट का मतलब है जो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है, और ट्रैवलर्स इन मॉस्को का है जो लोग ट्रैवलर कर रहे हैं वहाँ पर। जैसे कि आप ट्रैवलर में भी अपना नाम डाल सकते हो, तो क्या होगा कि जो भी लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे कि हाँ ये पर्सन इस जगह पे भी ट्रैवल कर रहा है, तो अगर आपको चाहे तो वो लोग होस्ट कर सकते हैं। होस्ट का मतलब होता है कि आप जिस जगह आप रहने वाले हो, जैसे कि जिस पर्सन का जो घर रहेगा या फिर फ्लैट रहेगा, अपार्टमेंट रहेगा, वो होस्ट होगा और ट्रैवलर आप होंगे। तो गाइज ये काफ़ी सिंपल है। सो आप चाहो तो आप ट्रैवलर पे भी, जैसे कि बहुत से होस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो टाइम टू टाइम ना देखते रहते हैं कौन ट्रैवल करने वाला है, तो अगर उस टाइम वो फ्री होते हैं तो वो आपको अपनी जो जगह है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो गाइज ये दो ऑप्शंस होते हैं जब भी आप सर्च करते हो, तो आपको होस्ट पे सर्च करना है। सबसे पहले आपको होस्ट इन मॉस्को पे आपको सर्च करना है, तो वहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स खुल जाएंगी। सो जैसा कि अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको दिख रहे हैं, अभी खुली हुई हैं, तो उसमें से मैं एक प्रोफाइल को चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद मुझे रिक्वेस्ट टू स्टे करना है, और रिक्वेस्ट टू स्टे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे को ना कुछ डेट सेलेक्ट करनी रहेगी, और नीचे एक बॉक्स दिख रहा है आपको, उस पर मुझे एक अच्छा सा मैसेज लिखना है। सो आपको नीचे एक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको बॉक्स में एक अच्छा सा मैसेज लिखना है, ताकि आपको वहाँ पर स्टे मिल जाए। जैसे कि आप लिख सकते हो कि आई वॉन्ट अ स्टे फॉर टू डेज, आई वॉन्ट अ प्लेस फॉर स्टे फॉर टू डेज, और या फिर आप कोई भी दूसरा मैसेज भी लिख सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग। सो गाइस, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो स्टे के लिए, तो आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा, ताकि आपका जो स्टे है वो काफ़ी जल्दी कन्फर्म हो जाए। सबसे पहले प्रोफाइल को अच्छे से गो थ्रू करो, जो भी उन्होंने प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उन्होंने लिखा होता है कि मैं अच्छे से लिखा होता है कि इस मंथ के लिए मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसी मंथ में रिक्वेस्ट डाल देते हैं और सोचते हैं कि उनको उनका मिल जाएगा। और उसके अलावा एक पर्सन को रिक्वेस्ट मत करो, एटलीस्ट अगर आप कोई भी कंट्री या कोई भी देश में जा रहे हो या फिर कोई भी छोटी सिटी में जा रहे हो, तो वहाँ पर 15 से 20 लोग को रिक्वेस्ट करो। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना होगा, तो आप वेरीफाई करवा सकते हो, उसके बाद आप रिक्वेस्ट के लिए स्टे डाल सकते हो। और जैसे कि आपको रिस्पॉन्स आता है, तो आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हो, उनसे बातचीत करके अपने व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, फिर ताकि आपको वहाँ पर आराम से आपको स्टे मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपका स्टे कन्फर्म हो जाए और आपको हर बार स्टे मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस लेने की कोशिश करो। जैसे कि अभी आपको मेरी प्रोफाइल में दिखाता हूँ कि मेरी प्रोफाइल में अभी मेरे कुछ रेफरेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि आपको तभी स्टे मिलेगा तब आपके प्रोफाइल में रेफरेंसेज होंगे। सो गाइज, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो गाइस, ये पूरा का पूरा अपना छोटा सा एक वीडियो था, बिल्कुल क्रिस्प में, कि अगर आपको कहीं भी कोई भी कंट्री में ट्रैवल करना है, तो आप ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप और भी जानना चाहते हो काउच सर्फिंग ऐप के बारे में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, तो ऊपर इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
अगली बार मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ।